सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो एक्सरसाइज खत्म करी थी वो बस 2.2 थी। तो 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया। अब भाई देखो, हम ना जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं वो हमारे पास है डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। जो मेरे पास पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है ना वो सीखेंगे, ठीक है। तो एक पहले हेडिंग डाल लो, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, क्या हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। समझो पहले इसका मतलब क्या होता है। देखो सुनो भाई, हमारे पास क्या टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का अंदर। देखो तो क्या समझा रहा हूँ इसके अंदर, 9th क्लास में जो हमने डिवाइड सीखा था, बात समझ आ रही है। 9th क्लास के अंदर सेम टॉपिक है ये वाला, और इस 9th क्लास में इसका एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है, और आते हैं 9th क्लास के अंदर अभी भी। तो भाई वही डिवाइड तो मैं सिखा रहा हूँ। समझो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास कोई सा भी दो पॉलिनोमियल होते हैं, उन दो पॉलिनोमियल को हमें आपस में डिवाइड करना होता है, ठीक। जैसे तुम्हें ना भाई, मैं एक क्वेश्चन लेकर चलूँ, मैंने मेरे पास तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल 6 है, बस भाई समझना है इसको कि किस तरीके से कर रहे हैं हम। तो मेरे पास यहाँ पे कह रहे कि डिवाइड 2x² + 3x + 1। मेरे पास क्या है, 2x² + 3x + 1, और भाई किससे डिवाइड करना है हमें इसे, बाई x+2। इसको तुम्हें डिवाइड करना है x+2 से। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात वो ये होती है कि तुम अगर कभी भी डिवाइड के वाले क्वेश्चंस कर रहे हो ऐसे वाले, पहली बात ये ध्यान रख के चलनी है, तुम्हारी ये फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक ना सीरीज में होनी चाहिए। सीरीज कैसी, ax² + bx + c = 0। इसका मतलब है कि जो मेरे पास बड़ी पावर है वो पहले होना चाहिए, ठीक, उससे छोटी पावर उसके बाद होनी चाहिए, और लास्ट में मेरे पास काउंटिंग होनी चाहिए। तुम्हें बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें दिक्कत तो नहीं। सबसे बड़ी मान लो कि अगर मेरे पास और बड़ी पावर है, तो मेरे पास मान लो 9x³ लिखा है, सबसे पहले हमें इसको लिखना है, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, लास्ट में हमारे पास काउंटिंग आती है। तुम्हें इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इस क्वेश्चन को मैं इतने डीप में समझाऊंगा ना, ठीक है, कि अगले वाले क्वेश्चन तुम्हें ना ये मान के चलो 50% पहले समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पहला स्टेप, इसका पहला उठाओ, इसका पहला उठाओ, इस वाले का पहला क्या है 2x², इसका पहला क्या है, सिर्फ x है। 2x के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x·x, क्योंकि x² है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, 2 बार x है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से, तो x से x कट जाएगा, मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 2x। ये बातें पता चली, x का स्क्वायर था, x से x कट गया, मेरे पास 2x बचा। तो जो मेरे पास बचता है ना उसको पहले तुम यहां पे लिख दो, ऊपर 2x यहां लिख दिया, और पहले वाले को एज इट इज सेम लिख दो। पहले तुम्हें अपनी बातें पता चली क्या बोला मैंने, इसका पहला लो, इसका पहला लो, डिवाइड करो, जो आ गया उसको यहां लिख दो, और इस वाले को पहला सेम लिख दो, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है, अब इन बातों को भूल जाओ, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप पे। जो मेरे पास यहाँ पे 2x जो आ गया है, ये जो मेरे पास 2x आ गया ना, इस 2x को इसके अगले से मल्टीप्लाई करो। वासन मारी क्या बोला, जो मेरे पास यहाँ पे आ गया है उसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करो। तो क्या है, मेरे पास 2 है ना, 2 तो कितना आएगा, 4x आ जाएगा। ये बातें तो लगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना यहाँ पे 4x आया है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को, फिर सुनो। तो भाई अब क्या कर रहा हूं मैं, मेरे पास यहाँ पे 2x² है, ठीक है। ये बात देखो, पहले तुम्हें ना क्या क्या बात समझनी है, इसका पहला कट के जो आया उसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करो। अगर इसके आगे एक और नंबर लिखा होता ना, बात समझ आ रही है, अगर इसके आगे एक नंबर और लिखा होता तो मैं उससे भी मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब सुनो, तो कितना आ गया मेरे पास, 4x आया है। तुम यहाँ पे x वाले नंबर ढूंढो, मेरे पास 4x है ना, पीछे वाला ढूंढो x है ना, तो ये रहा, प्लस का 4x है, लिख दिया।
अगर सिर्फ टू लिखा हुआ आता, सिर्फ मेरे पास काउंटिंग होती तो मैं उसको काउंटिंग के नीचे लिखता, ठीक है। हमें क्या है, बेस चेक करना है। बेस क्या चेक करना है, ये पीछे है देखो, x का स्क्वायर है तो यहाँ भी x का स्क्वायर है, ठीक। यहाँ मेरे पास x है तो इसके नीचे भी x होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको। अब देखो, इतना करने के बाद ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, तो मैं इसका साइन चेंज करना है, इस वाले का, दोनों का साइन चेंज करना है। तो पहले वाले को बिना सोचे हमेशा काट दिया करो, पहले वाले को बिना सोचे हमेशा काट दिया करो, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो अगला है मेरे पास, तुम्हें यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है, देखो ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, इस वाले साइन को भूल जाओ, ये जो साइन है ना ये वाला प्लस का, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर प्लस का है और नीचे मेरे पास माइनस का है, नीचे वाला तो माइनस का ही है ना। तो जब भी ऐसा होगा ना, क्या करना है तुम्हें, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है उसको लगाओ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, 3x है और मेरे पास क्या 4x, तो 4x में से 3x माइनस करूँगा, मेरे पास क्या बचेगा 1x, 1x सिर्फ मैं ऐसा लिखता हूँ ना, ये बात चल रही है, हम 1x को सिर्फ लिखते हैं x, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, 3x है, 3x में से मैंने 4x माइनस किया तो मेरे पास 4 के आगे माइनस का है तो माइनस का लगा दिया, ये बातें तो लगी सबको इतनी। फिर बाकी को सेम उतार दो नीचे, इस वाले को सेम एज इट इज नीचे लिख दिया, इन बात तुम देखो तो नहीं है, दोबारा आ जाओ। इतना कर दिया मैंने, इतना करने के बाद दोबारा से इसका पहला लो, ठीक है, और इस वाले का पहला लो, बात समझ आ रही है, इसका पहला लो और फिर इस वाले का पहला। हम दोबारा जब यहां पे पहुंच गए हैं तो मेरे पास यहां पे दूसरे पे देखो, यहां माइनस का एक्स है, इसका पहला लिया मैंने, अब इसका पहला ले लो, एक्स से एक्स करता है, जब भी ऊपर नीचे का नंबर सेम होते हैं ना तो मेरे पास वन आता है, और ये माइनस का है तो माइनस का वन आ गया, ठीक है। तो जो मेरे पास माइनस का वन आया है मैंने उसको यहां पर लिखा, और पहले वाले को एज इट इज, तुम्हें क्या समझना, देखो इसका पहला, इसका पहला जो आ गया उसको यहाँ लिख दो और पहले वाले को सेम लिख दो, इतनी बात सबको समझ आ रही है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। इस वाले का पहला, इसका पहला, कट के जो आ गया उसको वहां लिख दो और इस वाले को सेम लिख दिया नीचे। इतना करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आया होता है ना, उसको हमें इसके अगले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस के वन को मल्टीप्लाई कर दो टू से, तो टू वन जा टू, तो माइनस का टू आ रहा है, ठीक है, इस टू को यहाँ पे लिख दो, ठीक। ये तुम्हें बातें समझ में आ गई, हाँ भाई ये तुम्हें बातें समझ में आई। तो पहले वाला मेरे पास माइनस का तो प्लस कर दो, ये माइनस का तो प्लस कर दो, पहला पूरा कट गया, ठीक है भाई। देखो ये तुम्हें ना यहाँ पे तुम्हारा बेसिक जो रूल है ना वो काम करता है, जैसे तुम्हें ना पहले इस वाले को समझाता हूँ मैं, ठीक है, जो मेरे पास ये वाला है समझाता हूँ। मेरे पास क्या लिखा है देखो, ऊपर लिखा था प्लस का 3x, नीचे लिखा है प्लस का माइनस का 4x, भाई माइनस का है ना, ऐसे ही तो है, ऊपर मेरे पास 3x था और नीचे 4x है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, 3x और नीचे 4x। जब मेरे दोनों के दोनों साइन अलग अलग थे, जब मेरे साइन क्या थे अलग अलग, तो क्या करता हूँ मैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो, बस मारी क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है उसे लगाओ, ठीक है। सुनो भाई, तो ये वाली बातें पहले क्लियर हुई सबको, मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा, ठीक। अब मैं इसके थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, मैंने बोला कि अगर मेरे पास ऊपर भी 3x है और प्लस नीचे 4x है, ठीक है, दोनों के साइन सेम सेम है ना, 3x और 4x है, इनको ऐड कर दो, ठीक है, 3x 4x, तो मेरे पास कितना है प्लस का 7x। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, माइनस का 3x माइनस का 4x, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 7x आ जाएगा। तो मैं बात पता चल क्या सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे ये जो बीच में जो दिक्कत आती है ना बच्चों को वो सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो मैंने तब बता दी जब नंबर हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक, ये मैंने तब बताया, देखो दोनों नंबर अलग अलग है मेरे पास, ये नंबर भी अलग है, ये नंबर मेरे पास क्या अलग अलग है, मैंने तुम्हें तीनों साइन बता दिए, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस प्लस और एक बार माइनस माइनस, ये होता है। प्लस माइनस में क्या करना होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो,
ठीक है, और जो प्लस प्लस है उसमें ऐड कर दो और साइन मेरा प्लस का आएगा, और जो माइनस माइनस है उसमें भी ऐड कर दो साइन मेरा माइनस का आएगा। पहले ये वाली बातें पता लग रही सबको? हाँ भाई, इन बातों में किसी को दिक्कत तो नहीं है? फिर मैं अगला बोल दूँ तुमसे, मेरे पास यहाँ पे है 2x, यहाँ पे भी है 2x, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये पूरा कट के मेरा आंसर जीरो आएगा। बस सुन आगे, ये मेरा पूरा कट जाएगा जब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम हो, ठीक है, जब दोनों नंबर सेम हो और साइन अलग अलग हो। बस सुन आ रही है, दोनों नंबर सेम हो साइन अलग अलग हो तो मेरे पास कट के जीरो आता है। वैसे हम कुछ लिखते नहीं है, जीरो भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो तुम इसका एग्जाम्पल, प्लस का 2x स्क्वायर था, माइनस का 2x स्क्वायर था, कट के पूरा कुछ नहीं लिखा ना हमने। बस सुन भाई, ऊपर प्लस का 2x स्क्वायर है और नीचे माइनस का 2x स्क्वायर है, तो कट के मैंने कुछ नहीं लिखा, ये बात समझ में आ गई। फिर अगर मैं लिखता 2x, यहाँ पर भी प्लस का 2x, तो ये ऐड होके प्लस का 4x आता, ठीक है। लेकिन मैं लिख दूँ माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये भी मेरे पास माइनस का 4x आ जाएगा। ये बातें पता लगी तुम्हें भाई? इसमें दिक्कत तो नहीं आई किसी को? पहले मुझे ये बताओ, इस प्लस माइनस में नहीं आनी चाहिए। अब मैं सेम चीज़ तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये प्लस का है और नीचे वाले प्लस का है, ये प्लस का ही ना मेरे पास, क्योंकि हम इस वाले साइन को इग्नोर मारते हैं, जो साइन हमने नया डाला है उसे करते हैं, तो प्लस का है, प्लस का मेरे पास प्लस का 3 आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। ये बातें पता लग रही हैं? इन बातों में दिक्कत है किसी को? अच्छा तुम्हें एक बात और याद है, मैंने तुम्हें चैप्टर फर्स्ट में बताया था, अंदर वाला डिविडेंट होता है, ये वाला डिवाइजर होता है, ये कोसेंट और बचा हुआ रिमाइंडर। हिंदी में अगर बोला जाए तो यह मेरे पास होता है क्या, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक है। बस सुन आ रही है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, भाई ये नॉर्मल सी बात थी जो मैंने सबको समझा दी है। अब इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और समझो इस क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसको आती हो कोई नहीं, लेकिन जिसको नहीं आती हो समझो। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मेरे पास 4x आया है, ठीक है, 4x आया तो मैंने उसको x वाले के नीचे लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या 4x आया था तो मैंने उसको x वाले के नीचे लिख दिया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 4x का क्यूब आता फिर क्या करता मैं? अगर मेरे पास 4x का क्यूब आता फिर क्या करता? तो मैं कहीं ऊपर क्यूब दिख रहा तुम्हें? नहीं दिख रहा ना। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। भाई एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 7th है, एक बार उसको निकाला जाए। तो यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। क्या करना है हमें? एग्जाम्पल नंबर 7th है, एग्जाम्पल 7th है, इसके अंदर मेरे से कह रहा है कि डिवाइड करना है हमें 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 को। हमें इसको डिवाइड किससे करना है भाई? डिवाइड करना है हमें इसे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें बातें पता लग रही है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि भाई अगर मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैंने तुमसे क्या कहा था, पहले हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि बड़े डिजिट से छोटे पे आना, पहले बड़ी पावर लिखनी है फिर उससे छोटी पावर और उससे छोटी पावर। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, मैं इसको लाइन से लिखूंगा, पहला मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2x और प्लस में 1। भाई ऐसे ही तो आएगा, इसको थोड़ी लिखेंगे हम, इसको नहीं लिखने वाले, क्योंकि मेरे पास उल्टा लिखा हुआ है, पहले मैं सीधा लिखना है इसको, ठीक है। तो क्या लिखूंगा नीचे वाले को, क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, 2x प्लस 1, 2x और प्लस में 1 है, ठीक। इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? मैं सिर्फ एक बात बताई, पहले बड़ी पावर छोटी पावर उससे छोटी पावर और उससे भी छोटी पावर, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारे पास। क्या करेंगे हम, पहले इसका पहला ले लो और इस वाले का पहला लो, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे 3x का स्क्वायर, एक मिनट, 3x क्यूब
और इसको डिवाइड करना है x के स्क्वायर से। 3x का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, इससे कट गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 3x। कोई दिक्कत है इसके अंदर? जो मेरे पास यहाँ पे है 3x का क्यूब है और प्लस ये मैंने इसको काटा 3x आ गया। जो मेरे पास आता है उसको यहाँ लिख दो और फिर पहले वाले को एज इट इज सेम लिख दो। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? इतना करने के बाद क्या करते हैं हम, फिर जो मेरा आंसर आया है 3x आया ना, 3x को इसके अगले से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 2x से, तो 3 को 2 से करूँगा 3 × 2 = 6, x को x से करूँगा तो x का स्क्वायर, ये आ गया। ढूंढो यहाँ पे स्क्वायर वाला कहाँ पे है, ये रहा, तो प्लस का है तो प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक, फिर देखो इसके आगे एक और है ना, मैंने कहा था अगर इसके आगे एक और होगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है मेरे पास यहाँ पे 3x, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 3x आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास x वाला ढूंढो कहाँ पे, ये रहा, तो 3x, सबके साइन चेंज करो, प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस और ये प्लस का है तो माइनस, पहला पूरा काट दिया, हाँ भाई पहले का पूरा काट दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे ये समझो, ये मेरे पास प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब भी मेरे पास साइन अलग अलग होते हैं क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। 6x स्क्वायर में से 1x का स्क्वायर माइनस कर दो, मेरे पास कितना बचेगा भाई, माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या 6x स्क्वायर और ये मेरे पास क्या 1x का स्क्वायर है। मैंने बताया था अभी कि जो मेरे पास 1x स्क्वायर है उसको मैं मतलब सिर्फ ऐसे लिखूंगा, x का स्क्वायर लिखूंगा, सिंपल सी बात है, हम 1x को सिर्फ x लिखते हैं, ये बात तो बताई थी मैंने। देखो तो क्या किया मैंने यहाँ पे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाया, तो मेरे पास क्या, मेरे पास है माइनस का 5x का स्क्वायर। यहाँ भी देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या करेंगे भाई, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ, तो मेरे पास क्या, मेरे पास यहाँ पे माइनस का सिर्फ 1x आएगा, 1x को मैं लिखूंगा सिर्फ x, और लास्ट में 5 का 5 नीचे लिख दो। इन बातों में दिक्कत है पहले? दोबारा हम सेम प्रोसेस शुरू करेंगे, इसका पहला और इसका पहला, माइनस का 5x का स्क्वायर है, इसे डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या देखो, माइनस 5 और 2 बार x है और यहाँ भी 2 बार x है, 2x से 2x कट गया, माइनस का 5, तो जो मेरे पास है पहले माइनस का 5 यहाँ लिख दिया, अब माइनस का 5 लिखने के बाद इस वाले को पहले सेम लिख दो। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो मेरे पास आंसर आता है उसको पहले यहाँ लिख देते हैं और फिर पहले वाले को सेम, इतनी बात तो सबको पता है ना, जब भी कट के जो आंसर आ गया उसको पहले यहाँ लिख दो और फिर बाकी इस वाले को सेम लिख दो। इसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास आंसर आया है उसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के 5 को 2x से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, माइनस का 10 और x, ठीक है, माइनस का 10 और फिर क्या है x है मेरे पास। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को? अब क्या करेंगे भाई, जो मेरे पास 10x है उसको मैच करो कहाँ पे, x वाला यहाँ पे ना, तो माइनस का 10x लिख दो। ठीक, फिर इसी माइनस के 5 को इसके अगले एक और नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास क्या रहा, सिंपल माइनस का 5 आ रहा है, ये रहा माइनस का 5, लिख दिया यहाँ पे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस का, पहला पूरा कटता है, मैंने सबको पता है पहले वाला हमेशा पूरा कट जाता है, उसके बाद ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो 10x में से अगर 1x माइनस करते हैं, 10x में से अगर 1x माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9x, क्योंकि देखो दोनों के साइन अलग अलग है ना, इसका प्लस का साइन है इसका माइनस है, देखो इसके आगे वाले साइन को हम भूल जाते हैं, हमेशा नए वाले साइन को हमें याद रखना होता है, जो मेरा नया वाला साइन है हमेशा उसको याद रखना होता है, तो 10x प्लस का है और ये माइनस का है, जब भी साइन अलग अलग होते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस क्या करो, जो बड़े के आगे साइन है उसे लिखो, तो मेरे पास क्या है बड़े के आगे प्लस का साइन है ना, तो सिंपल 9x, हम प्लस को लिखते नहीं है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएगा, मेरे पास आएगा 10। पहले इतनी बात समझ में आ गई, अब मुझे बताओ इसकी पावर बड़ी है या फिर इसकी पावर बड़ी है, इस वाले की पावर बड़ी है या फिर इस वाले की पावर बड़ी है,
इस वाले की बड़ी सबको दिख रहा है, यहाँ मेरे पास पावर टू लिखी है, यहाँ पावर वन है। तो जब मेरे पास ये बड़ा पड़ जाए और ये छोटा पड़ जाए, इतने पे छोड़ दे करो उसे, ठीक है? कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? पक्का ना भाई? देखो ये मेरे पास था, अब मैं ना तुम्हें एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो सबको सीखना जरूरी है। देखो भाई इसके बाद ना जो मेरे पास इसका नेक्स्ट एग्जांपल होगा ना, अगर तुम उसको समझ जाते हो तो भाई गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के थोड़े से बादशाह बन जाओगे। हाँ भाई, सबसे पहले सबका ये हो गया ना, मैं तुम्हें पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है? उस छोटे क्वेश्चन के बाद आगे बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई देखो, पहले कुछ बातें बता रहा हूँ तुम्हें। ये वाली बात पता है कि अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंट, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं कोएस्टेंट, इसको हम बोलते हैं भागफल, और जो मेरे पास बचा हुआ होता है उसको रिमाइंडर, और हिंदी में शेषफल, ठीक है? ये तुम्हें बातें पता लगी? देखो पहले मैं तुम्हें मैथ्स का छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा, ठीक? उसके हिसाब से मैं प्रूफ करूंगा बाकी। मैंने बोला यहाँ 10 लिखा है मेरे पे, 10 को मुझे 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड? 3 से डिवाइड करना है। तो 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 बार में यहाँ पे 9 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, ठीक? मुझे दोबारा से 10 लेके आना है, ठीक है? क्या करना मेरे को? दोबारा से 10 लेके आना है। कैसे करूंगा मैं? सिंपल सा तरीका। अच्छा भाई इसको देखो, इस वाले को ना मैं ए मान लेता हूँ, इस वाले को बी मान लेता हूँ, और इस वाले को क्यू मानता हूँ, और इसको आर। चैप्टर फर्स्ट अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई नहीं। तो सुनो, अगर ए लेके आना है ना, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस में आर। ये बातें पता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, चैप्टर फर्स्ट की बात है ना ये। तो इसको लाने के लिए, मतलब कि सिंपल सी बात बोलूं, मेरे पास जो डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोएफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है? हिंदी में बोला जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है? ये बातें बता सबको। हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत तो नहीं ना? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में गारंटेड 101% आता है, ठीक है? और भाई ध्यान रखना, 4 मार्क्स आएगा क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ अभी, वो क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स का आता है। सुनो, पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हमें डिवाइड करना है 3x² + x - 1, 3x² + x - 1, इसको हमें डिवाइड करना है, वो है x + 1 से। तुम्हें पहले बातें बता लगी, एग्जाम के अंदर पता है क्वेश्चन क्या आता है? वो तुम्हें ये दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, ये भी देगा, बोलेगा इसे निकालो, इसको निकाल दो। पहले मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको उल्टा लेके जाऊँगा, ठीक है? पहले सीधा सॉल्व कर दे रहे हैं उसको, और फिर उल्टा लेके जाऊँगा, देखना कैसे है। क्या डिवाइड करूँगा भाई? इसका पहला, इसका पहला, 3x² x, इससे कट गया तो 3x बचा, 3x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पहला मेरे पास सेम आ गया। जो आया है इसके अगले से मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू में 1, तो मेरे पास क्या आ गया? 3x, x मेरे पास यहाँ पे 3x लिख दिया, प्लस का माइनस, पहला कट गया पूरा,
ये पास माइनस का 2x और ये माइनस का 1, ऊपर वाला सेम आ गया नीचे। फिर इसका पहला माइनस का 2x और फिर मेरे पास है अपॉन में x, x से x कट गया, माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ लिखा, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई किया प्लस के 1 से, 2 वन जा 2 तो माइनस का 2, ठीक है। ये पूरा सेम माइनस 2, भाई ये तो पता चल रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो मेरे पास यहाँ पे पहला पूरा कट गया और ये मेरे पास माइनस का तो प्लस का, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास प्लस का 1, ठीक है। हाँ भाई पहले ये बात तो समझ में आ रही है। अब मुझे तीन चीज, मेरे पास तीन चीज पता है ना, मतलब वैसे सारी चीज पता है। मान के चलो मैं इसको इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे को बता रखा है कि जो डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है भाई, इसको कोई नहीं देखेगा अभी, ठीक है। फिर जो मेरे पास डिवाइजर है, कोसेंट जो है, मतलब कि जो मेरे पास ये तो भाज्य आ गया, फिर जो भागफल है, जो कोसेंट है, कोसेंट मेरे पास 3x माइनस 2 है, और जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो मेरे पास है 1, ठीक। उसने क्या बोला भाई, फाइंड द डिविडेंट और डिवाइजर, हमें क्या कि भाजक को निकालना है, क्या निकालना है हमें, डिवाइजर निकालना है, ठीक। अब भाई मैं इस चीज को एकदम रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम सबके पास सॉल्यूशन है ना, तो मैंने अभी सॉल्यूशन लिखवा दिया, इसका आंसर एक्स प्लस 1 है, ठीक है। मान लो हमें नहीं पता, ये सारी बातें मैंने नोट डाउन कर लिया, मान लो मुझे और कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, चार चीज होती है टोटल, चार चीज में से तुम्हें एक चीज वो मिस कर देगा एकदम, चार चीज में से एक चीज गायब, बाकी तुम्हें करना है, ठीक है। एक चीज तुम्हें निकालनी होगी, तुम्हें फॉर्मूला याद है इसका क्या होता है, अगर मैं बोल दूं फॉर्मूला, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोएफिशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी बोलेंगे, भाई हिंदी को पता है ना उसे, जो मेरे पास है भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल और प्लस शेषफल, तो अब मैं ना सबको एक एक ना नाम दे दे रहा हूँ, ए बी जो भी ना नाम दे रहा, मैं मान लो इसको पता है सबको, हम इसको ए बोलते हैं चैप्टर पहले से, ए बी, ये मेरे पास है क्यू क्योंकि कोसेंट है, तो मेरे पास ये वाला है आर, ठीक। तो इस वाले को दे रहा हूँ मैं आर, तो क्या बोलूँगा मैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर है। हम इसी फॉर्मूले को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ए मुझे कितना पता है भाई, ए पता है मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, b कितना है हमारे पास, जो b पता है क्या हमें, हाँ भाई ये पता है हमें भाजक, डिवाइजर पता है क्या, नहीं पता ना, ठीक है, ये तो नहीं पता भाई मेरे को। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉर्मल b लिख दूंगा, b इंटू में कोएफिशिएंट पता है मेरे को, कोएफिशिएंट मेरे पास q कितना है भाई, 3x माइनस 2, और रिमाइंडर कितने का है, रिमाइंडर है 1, ठीक है, कोई दिक्कत है तुम्हें भाई, इसमें किसी को दिक्कत है पहले बताओ। अब सुनो, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, b इंटू में 3x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है भाई। अब तुम मुझे पहले ये बताओ, देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा ना, अब 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू b और 3x माइनस 2 प्लस 1, हाँ भाई मुझे कोई ये बताएगा, मैं पहले इसको इसमें प्लस कर दूं, हाँ भाई मुझे कोई पहले बताएगा कि मैं इसको पहले इसमें प्लस करूं या फिर ये मेरे पास मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाऊं, कौन बताएगा मेरे को ये। अभी मान के चलो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, तो मुझे कोई ये बताएगा कि मेरे पास पहले मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाऊं या फिर पहले इसमें प्लस करूं, कौन बताएगा सर,
हाँ भाई, और अगर कोई बता भी रहा है तो मुझे बताओ कि भाई उसमें कौन, तुम किस तरीके से बता रहे हो, तुक्का भेड़ रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, बताओ का नहीं बताओगे? हाँ भाई तुम, किसी को पता है? नहीं पता। बताओ भाई, कोई ना कोई तो बताया गई। कुछ नहीं पता चला किसी को? सुनो, सबसे पहली बात भाई, तुम्हें बोर्ड मास याद है? बोर्ड मास याद है? तो उसमें क्या होता है भाई? बोर्ड मास के अंदर पहले हम देखते हैं भाई, ब्रैकेट ऑफ कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे होता है। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये लाइन से चलता है। वैसे ज़्यादातर ना हमारे सिक्स मतलब भाई जो एलजेब्रा वगैरह ना उसके अंदर चलता है, जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई पहले हम क्या करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना तुम्हें दिख रहा है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाया था, दिख रहा तुम्हें? हाँ भाई, इस ब्रैकेट का मतलब है पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यही तो है। इस ब्रैकेट का मतलब पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। तो अगर भाई मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा नहीं होगा कि 3xb-2b, ऐसा तो होगा नहीं। हमें b की वैल्यू निकालनी है, निकालनी है b की वैल्यू, तो पहले प्लस वाला ना इसको पहले उस साइड ले जाओ, ठीक है। इस प्लस वाले को पहले उस साइड लेके जाओ, तो तुम्हें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3x² + x-1, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल टू बी 3x-2। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये दोनों सेम साइन वाले ना, -1 -1, 3x² + x, तो यहाँ पे मेरे पास का माइनस का 2 इज इक्वल टू बी इंटू में 3x-2, ये ब्रैकेट के अंदर है, सबको पता है? हाँ भाई, अब बताओ इस b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, और यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगा। सबको रूल पता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सबको पता है पक्का? इसमें दिक्कत है किसी को? तो सबको पता है इसमें? देखो भाई ऐसा होता है, मेरे पास अगर कोई सा इधर प्लस में इज इक्वल टू को सर जाएगा माइनस में, माइनस का प्लस में, कोई मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, किसी पे यहाँ पे स्क्वायर लगाए उधर जाके प्लस माइनस का अंडर रूट लगेगा, यहाँ पे किसी की पावर बटे में है उधर पावर जाके पलट जाती है, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? तो भाई देखो उसी सेम तरीके से मेरे पास है मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा, ठीक। तो मेरे पास जो यहाँ पे क्या है, 3x² + x-2 = b, और ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे किस में जाएगा? ये डिवाइड में, तो 3x-2। तुम सबको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि मैं ऐसे काट के करूँगा इसको? देखो अगर मेरे पास ऐसा लिखा था ना कि बच्चों 5x², और यहाँ पे मेरे पास लिखा है कि मान लो 15x², यहाँ पे 5 और यहाँ पे सिर्फ 5x लिखा हुआ है, सिर्फ इतना होता ना तो मैं काट के कर देता, इसको काटता, यहाँ पे x बचता, इसको काटता 3 बचता, मेरे पास आंसर आता 3x, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता कि बीच में कोई प्लस प्लस नहीं है, अगर ऊपर कोई प्लस वाले नंबर नहीं है, ठीक है, और नीचे भी कोई प्लस वाले नंबर नहीं है, इन दैट केस उस टाइम हम क्या करते हैं, हम देखो इस तरीके से काटेंगे, अगर प्लस वगैरह नहीं है तो इस तरीके से काट के हटा दो। लेकिन हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे प्लस वगैरह है ना, प्लस है, माइनस के दोनों है, नीचे भी प्लस माइनस दोनों है। अब हम करेंगे डिवाइड, कौन सा डिवाइड याद है ना? डिवाइड पता है ना हमको, आता सबको, इतना सबका हो गया, ठीक है। अब देखो इधर, हम सिर्फ इस वाले को देखेंगे, तुम सबको आंसर याद है ना भाई? देखो तो मुझे पता है ऊपर का नंबर हमेशा अंदर जाता है और नीचे का नंबर बाहर जाता है, पता है सबको? मैं ऐसा लिखता हूँ 10/2, इसका मतलब क्या आंसर 5, कैसा आया? ऊपर का नंबर अंदर जाता है और नीचे का बाहर जाता है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है,
3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 3x माइनस 2 से, ये तो करना है, तभी तो मेरे पास b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका पहला लो, इसका पहला लो, 3x का स्क्वायर अपॉन में 3x, ऊपर का मतलब क्या है, 3 है और दो बार x है, नीचे का मतलब 3 है और एक बार x है, एक x से एक x कट गया, 3 से 3 कट गया, मेरे पास क्या बच रहा है x, यहाँ पे लिख दो x पहले वाले को एज इट इज 3x का स्क्वायर। ठीक है, इन बातों में दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। फिर आते हैं अगले पे, मेरे पास क्या है, जो आंसर आ गया x उसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि मल्टीप्लाई करना माइनस का 2 से, तो माइनस का 2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आएगा माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस के 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का कितना आ गया 2x, तो x वाला यहाँ पे है माइनस का 2x, यहाँ लिख दो, ये प्लस का है तो माइनस का और प्लस का, तो पहला पूरा कट गया, और ये देखो दोनों प्लस प्लस के ना, तो मेरे पास आ गया प्लस का 3x और मेरे पास नीचे एज इट इज आ गया। ठीक है, बातें तो लगी। देखो भाई, जिसका दिमाग बहुत तेज काम करता है ना, वो इतना देखना, जब ये और ये सेम आ जाए ना, डिट्टो सेम हो, डिट्टो, ठीक है, उस केस में पूरा इसको काट के प्लस का मान लिख देना, जब ये और ये पूरा का पूरा सेम आ जाए, पूरा का पूरा सेम आ जाए, उस टाइम तुम्हें करना है इसको इसको डिट्टो यहाँ पे लिख के यहाँ पे बस प्लस का मान लिखना, लेकिन अगर आगे इसके माइनस हुआ तो माइनस लिख देना, माइनस का वन। ठीक है, अब देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा, ये पहला करा दिया मैंने, ये दूसरा है, फिर पास इसका पहला ले लो और इस वाले का पहला ले लो, पूरा पूरा कट गया, वन आ गया, इस प्लस के वन को यहाँ लिख दो, पहला मेरे पास सेम आ जाएगा। ठीक, अब जो आया है उसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वन इंटू में माइनस का टू है। ठीक, तो क्या करूँगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस का टू, तो इस माइनस का टू को मैंने लिखा यहाँ पे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, पहला पूरा कट गया, तुम देखोगे ये भी कट रहा है क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, पूरा कट गया, शून्य बच गया, यहाँ पे क्या आया मेरा आंसर, x प्लस वन आया ना, इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वन, यही आई है, जो मेरे पास b की वैल्यू, b क्या था भाई मेरे पास यहाँ पे डिवाइजर था ना, डिवाइजर, तो जो मेरे पास डिवाइजर है जिसको हम भाजक बोलते हैं, वो मेरे पास कितना आ गया, x प्लस वन। भाई तुम आंसर मैच कर लो अपना, हम जिस चीज़ को निकाल रहे थे ना, मैंने उस चीज़ को निकाल दिया यहाँ पे, बातें तो लगी। हमें इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमें इसको नहीं करना होता, मतलब कि वैसे यहाँ तक पूरा सॉल्व करना होता है, तुम्हें जो जो देखो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, सिर्फ उतना क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, जिस तरीके से मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखवाया था सिर्फ उतना क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, और उसी क्वेश्चन के बेस पर तुम्हें इस आंसर को लेके आना होगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, इस बार 101% आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको डिवाइड का और जैसे मान लो एलजेब्रा का अच्छा ज्ञान है, अदरवाइज कोई बच्चा कर नहीं पाता इसको। ठीक है, तो अभी ना देखो घर के लिए एक बार जो तुम ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, एक बार जिसको लगता है कि भाई हाँ वो कर सकता है, एग्जाम्पल 8वां ट्राई करना, उसमें होता क्या लिखा है, वैसे तो भाई इसमें वो ऐसा क्वेश्चन है नहीं तुम्हारे पास, अगर किसी को लगता है कि भाई वो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सेम क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकता है वो, बात समझ में आई, जो तुम्हारे पास एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकता है, एकदम ठीक ठाक चला जाएगा, और एक बार एग्जाम्पल 8वां का लेना। ठीक है, देखना भाई किसको कैसे कैसे है, जिसको समझ में आ गया ढंग से करना तुम 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको होमवर्क समझ लो एक बार, सबको ट्राई करके लेके आना कम से कम, करो से नोट डाउन।